जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के विरोध में पूरे भारतवासियों का गुस्सा चरम सीमा पार कर चुका है और पूरे देश भर, राज्य भर, जिला भर, शहर भर के लोगों का गुस्सा आक्रोश के रूप में सड़कों पर उतर आया है और देश के हर राज्य, हर शहर, हर जिले से हर हिंदुस्तानी की एक ही आवाज उठ रही है कि जल्द से जल्द उन आत्मघाती आतंकवादियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और आतंकवादी हमले का बदला जल्द से जल्द भारत सरकार द्वारा लिया जाए। जगह जगहों पर, गली मोहल्लों में पाकिस्तान और आतंकवाद का विरोध दर्शाया जा रहा है और आतंकवादी हमले में शहीद हुए 44 CRPF के जवानों को हर देशवासी, शहरवासी द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है, जिसके तहत गत रोज सूरत में इंसाफ फाउंडेशन के सदस्यों और अग्रणियों द्वारा पुलवामा अटैक के मद्देनजर सख्त कार्यवाही की मांग और हमले में शहीद अमर जवानों के परिवार को हर देशवासी से आर्थिक मदद मिलने की अपील लेकर सूरत जिला कलेक्टर को आवेदन पत्र दिया गया। मेरा नाम फयाज लातूरी है और इंसाफ फाउंडेशन सूरत की तरफ से ये तमाम साथी आए हुए हैं सूरत शहर के। फिलहाल जो कश्मीर में हमला हुआ है हमारे हिंदुस्तान के नौजवान शहीदों के ऊपर, मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क की नाक कटी हुई है और हमारे मुल्क के ज़िम्मेदारों को, हुकूमत को सख्त से सख्त कदम इसके लिए उठाना चाहिए। साथ साथ में हम ये भी दरख्वास्त करते चले जाएंगे हुकूमत से कि इस बहाने को लेकर कश्मीर के मज़लूम लोगों पर जुल्म न किया जाए, बेकसूरों पर जुल्म न किया जाए और हिंदुस्तान वासियों से हमारी ये दरख्वास्त है कि आप अपने एहतजाज के तौर पर कारोबार बंद न रखें बल्कि कारोबार चालू रखें, अपना तजारत चालू रखें और एक दिन की कमाई इन नौजवान जो शहीद हुए हैं इनके घर वालों को,